तो दोस्तों, अगर आप Redmi का कोई भी मोबाइल यूज करते हैं और आपके मोबाइल में आप वाईफाई को जैसे ऑन करते हैं, ऑन करने बाद अगर कोई एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें वाईफाई की स्पीड काफ़ी स्लो देखने को मिलती है, या बैकग्राउंड में कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड का स्पीड अगर आपको स्लो देखने को मिल रहा है, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और ये सेटिंग आपको अपने मोबाइल में मिल जाएगा, इस सेटिंग को सिर्फ आपको समझना और इस सेटिंग को इनेबल करना है। तो आपको जो भी एप्लीकेशन में वाईफाई का प्रॉब्लम मिल रहा है, स्पीड स्लो का प्रॉब्लम मिल रहा है, वो आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन आपको शो नहीं होता है तो कैसे इनेबल कीजिएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में वाईफाई को ऑन कर लेना। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वाईफाई को ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद आपको जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन में। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाईफाई वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे वाईफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए मेरा वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट है और उसके ऊपर में एक ऑप्शन आपको देखने मिलेगा वाईफाई असिस्टेंट का। ये ऑप्शन जो देख रहे हो मेरा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे दोस्तों जैसे आप यहां पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको यहां पे ट्रैफिक मोड देखने मिलेगा जो आपको यहां पे ऑफ किया रहेगा, और ट्रैफिक मोड में लिखा हुआ है एलोकेटेड बैंडविड्थ टू एप्स एंड बैकग्राउंड डाउनलोड। तो इसको आप यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको ऑन करना है। जैसे आप यहाँ पे ऑन कीजिएगा, ऑन करने में दो ऑप्शन देखने मिलेंगे। पहला बैलेंस का ऑप्शन मिलेगा, अगर इस पर आप सेट करते हैं तो बैलेंस ऑप्शन में क्या होगा कि एलोकेटेड इक्वल बैंड विथ टू एप्स एंड बैकग्राउंड डाउनलोड। तो होगा कि जो एप्लीकेशन आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं और साथ में बैकग्राउंड में कोई डाउनलोड कर रहे हैं तो दोनों में जो आपको वाईफाई का स्पीड है वो सेम देखने को मिलेगा। और उसके अलावा एक ऑप्शन मिल जाएगा फास्ट कनेक्शन का, अगर इसको आप यहाँ पे सेट करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है गिव प्रायोरिटी टू द एप्स यू आर यूजिंग व्हाइल मेकिंग टू बैकग्राउंड डाउनलोड स्पीड लोअर। अब होगा क्या कि जो एप्लीकेशन आप यहां पे यूज कर रहे हैं उस एप्लीकेशन में वाईफाई का स्पीड काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, पर बैकग्राउंड में अगर आप कोई भी चीज को डाउनलोड करते हैं तो उसमें जो स्पीड है वो लोअर देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन मिल जाता है। तो अपने हिसाब से यहां पे सेट कर सकते हैं, ये फीचर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो इस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए सिंपली क्या करना, आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और उस एप्लीकेशन का नाम है एक्टिविटी लॉन्चर। इसको आपको यहां पे ओपन कर लेना है। जैसे आप यहां पे ओपन कीजिएगा, ओपन करने पर लोडिंग वाला ऑप्शन मिलेगा और आपके डिवाइस में जितने भी सेटिंग है वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए यहां पे लोडिंग होने के बाद यहां पे क्या क्या ऑप्शन मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे दोस्तों यहां पे लोडिंग हो जाता है, लोडिंग होने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं जितने भी आपके मोबाइल के सेटिंग होते हैं वो आपको यहां पे देखने मिलेंगे। अब सिंपली आपको क्या करना है, सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और सर्च वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहां पे लिखना है वाईफाई। जैसे दोस्तों आप यहां पे वाईफाई लिखिएगा, वाईफाई लिखने के बाद आपको सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे में चले जाना है। सबसे नीचे में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा वाईफाई प्रीफ्रेंस का। देख सकते हैं ये जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में ही एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्शन टाइप का, ये कनेक्शन टाइप वाला जो ऑप्शन मिला इस पर आप टैप करें और टैप करने के बाद आपको इसको हाई स्पीड वाले ऑप्शन पे सेट कर लेना है। हाई स्पीड पे आप जैसे यहाँ पे सेट कर लीजिएगा तो कनेक्शन टाइप में जो आपको वाईफाई का स्पीड है काफी हाई आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट एपी प्रायोरिटी मैनुअली, इसको आपको यहां से ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद क्या होगा कि जो आपका स्पीड है वाईफाई का और भी आपको इंप्रूव देखने को मिल जाएगा। बस दोस्तों आपको ये दो सेटिंग करना है, उसके बाद आप यहां पे देखिएगा वाईफाई का जो भी आपको एप्लीकेशन प्रॉब्लम मिल रहा था, डाउनलोड में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा।